दुर्ग जिला में 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चलने वाली कथा का आज तीसरा दिन है, जिसका आयोजन प्रदीप साहू, काशीनाथ साहू, शिवधाम ग्राम कोडिया जिला दुर्ग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा कथावाचन की जा रही है। कार्यक्रम का आज कोडिया में तीसरा दिन है। पंडाल में रोज लगभग 5 लाख से ज्यादा भक्तों की भीड़ जुट रही है। कार्यक्रम में शिव भक्त लोग जहां ठहरे थे वहीं पंडाल फिर बनाया गया। कड़क धूप होने के बावजूद भी लोग भक्ति से सराबोर होकर शिव कथा सुन रहे हैं। शिव भक्तों ने क्या कुछ कहा, सीधे बातचीत में खुद देखें वीडियो। हेलो नमस्कार, मैं अभिषेक साहू और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। हम यहाँ पे हैं ग्राम कोडिया में दुर्ग, जो कि जो ये मेन गेट है, ये मेन गेट आप देख रहे हैं, ये यहीं से ही प्रवेश होना है। चूँकि देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है और ये धमधा से आने वाला रोड है जो कि काफ़ी जाम लगा हुआ है। और यहाँ पे समिति वाले हैं, जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आम पब्लिक है उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था यहीं पे है। और यहाँ पे कुछ समिति वाले भाई हैं, चलाइए आज इनसे बात करते हैं कि इनको यहाँ पे क्या परेशानी होता है। यहाँ पे जो एंट्री है, सिर्फ यहाँ मैं आम जनता को बता दूँ कि यहाँ पास अगर आपको आना है, यहाँ पास अगर आपको आना है तो यहाँ पे आपके लिए गाड़ी पास अगर रहेगा तभी आप अंदर जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से 2 किलोमीटर आपको पैदल जाना पड़ेगा। और आप अपनी गाड़ी, और मैं बता दूं कि यहाँ पे गाड़ियाँ जो लगी हुई है, यहीं पे आपको गाड़ी रखना है और बाकी अंदर के लिए पास की व्यवस्था है। तो हम जो अध्यक्ष है यहाँ पे, जो समिति है, उनसे हम सीधे बात करते हैं कि उनको यहाँ पे क्या क्या जिम्मेदारियाँ दी गई है। तो भैया अपना नाम बताइएगा। दुर्गेश कुमार लोधी। तो यहाँ पर आपकी जो टीम है किस रूप से काम कर रही है? हम यहाँ प्रॉपर 7 दिनों की सेवा देने के लिए आए हैं, और जो आयोजक समिति है जैसे भी सेवा हमको देगी हम वो काम करेंगे। जैसे अभी तक आज तीसरा दिन है, मुख्य ट्रैफिक जो मुख्य गेट है, ये कथास्थल का मुख्य गेट, यहाँ निरंतर 3 दिन से सेवाएं दे रहे हैं। जितने भी लोग आएंगे वो मात्र इसी रोड से जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी देखने को मिल रहा है कि अंदर जाना कई लोगों के पास नहीं है, तो वहाँ पे क्या मुसीबत आपको सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे लोकल गांव वाले भी आ रहे हैं और काफ़ी सारे लोग। अब देखिए, जो पास रखे पास वालों को तो अपन, जो वाहन पास और खुद का पास रखे उनको तो हम जाने ही दे रहे हैं। कई लोग क्या है, खाली वॉलंटियर का कार्ड लेकर गाड़ी के साथ में जाने का प्रयास करते, उनको यहाँ रोका जा रहा है। जो विकलांग लोग या बुजुर्ग लोग आते हैं उनको हम लोग जाने दे रहे हैं या तो नहीं जाने दे रहे, तो यहाँ से ई रिक्शा की निःशुल्क व्यवस्था है, उसमें अपन बैठा के या कोई थोड़ा बहुत सामान लेके आ रहा है, सामान को यहीं उतरवा के किसी दूसरे गाड़ी से शिफ्ट करवा के वहाँ तक भेज रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आम आदमी है, तो जैसे बता रहे हैं भैया कि यहाँ पे जिनके पास है और जो विकलांग है उनको ही यहाँ पे सेवादारों के माध्यम से अंदर जाने दे रहे हैं ना जी। और यहाँ पे जो जाम लग रही है यहाँ पे, तो उसकी पुलिस प्रशासन की यहाँ पे क्या व्यवस्था है? पुलिस प्रशासन, जैसे ही कार्यक्रम विराम होता है, विराम के बाद पूरा पुलिस प्रशासन लगता है। रोड सकरा है और गाड़ियाँ भी खड़ी है, तो जाम लगना थोड़ा सा जायज भी है। बाकी हम लोग भी यहाँ से छूटने के बाद वहाँ सेवा देते हैं। और तो आप लोग का पूरा ड्यूटी है जो यहीं पे लगा हुआ है ना? टोटल 3 दिन से ड्यूटी यहीं है। आपका नाम और ये पद बता दीजिए। क्या जी? नाम, आपका नाम और यहाँ पे क्या आप पद में है वो उसको बता दीजिए जी। मेरा नाम दुर्गेश कुमार लोधी है, मैं छत्तीसगढ़ हिंदू एवं साझा विधानसभा प्रभारी हूँ। और यहाँ हम लोग प्रॉपर जहाँ भी हमारे आसपास 20 किलोमीटर में कोई भी छोटा बड़ा आयोजन होता है, धार्मिक आयोजन, धर्म से रिलेटेड, निस्वार्थ सेवा देने जाते हैं अपने पूरी टीम के साथ। तो यहाँ पर बात भी बिगड़ जाती होगी कि अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, हम तो ऐसा है वैसा है, तो तब आप क्या करते हैं उस समय में? अब क्या करेंगे, हम तो सेवा देने आए हैं और धार्मिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन में सेवा दे रहे हैं, तो किसी से ज़्यादा अपन जुबान नहीं लड़ाते, पैर पड़ के उसको मनाने का प्रयास करते हैं। और नहीं मानते भी, अब देख लो आप, हम यहाँ से जाने नहीं देंगे, सीधी इस बात। तो देखिए यहाँ पर जो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं जो अपने भाई है, ये बिल्कुल यहाँ पर लगे हुए हैं अपने काम में, अपनी ड्यूटी में, और जो जिसको पास है वही अंदर जाने दिया जा रहा है, और जो विकलांग है उनको सेवादारों के माध्यम से अंदर तक ले जाने दे रहा है। तो देखिए अभी हम यहाँ पे जो टेंट वाली गाड़ी खड़ी है वहाँ पे अभी पहुँचे हैं, और उसके नीचे में ये सब लगाए हुए हैं, तो इनसे बात करते हैं हम लोग। तो भैया नमस्कार।
नमस्कार जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग भिलाई सेक्टर 1 से। कितना देर हो गया यहाँ पे? अभी हम लोग 1 बजे से आए हैं। अच्छा, यहाँ कोई परेशानी हो रही है? अब परेशानी तो थोड़ा बहुत तो है, धूप का थोड़ा सा पंडाल वगैरह का छोटा सा कम पड़ गया है, बाकी पब्लिक पूरे बाहर में बैठी हुई है ना। और तो कैसा लग रहा है कथा सुनने में, आप कैसे लग रहे हैं? बहुत आनंदित। तो कथा से सुन के क्या चीज आपको समझ में आया है, थोड़ा बताइए। एक लोटा जल समस्या का हल बाबा जी का कहना है, और सभी अभी भक्ति में लीन है यहाँ जितने भी बैठे हैं, और अच्छा लगता है। हम लोग आसपास भिलाई छत्तीसगढ़ में कहीं होता है तो जाते रहते हैं। हम लोग अभी बालोद में गए थे। यहाँ किनके साथ आए हैं, कौन कौन आए आपके साथ? हमारे फैमिली आए हैं, मेरे साला जी हैं, मेरी मिसेस है। आप का नाम? प्रहलाद कुमार कौशल, कुर्सी पार भिलाई से। ये फोटो लेके आए हैं आप? मम्मी पापा का। यहाँ पे लाने से फायदा होता है। जी जी जी। और क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के बारे में? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा जी तो है तो जी जी ऐसे बारे में। और चाचा जी बताइए आप। हाँ, नाम नर्मदा देवी। हाँ, नर्मदा देवी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ, तो यहाँ जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी वो बताते हैं काफी सारा नियम धियम, या वो सही काम करता है या नहीं होता है? तीन काम मेरे सक्सेस हुआ फूल, मनोकामना जो था मेरे पूरा एकदम सही। क्या बोलते हैं इनके बच्चेदानी में पथरी। अच्छा। तो हम लोग अभी 6 महीने से पूजा पाठ किए ना, तो अभी हम लोग मेडिकल चेकअप कराए ना, तो पथरी गायब हो। अच्छा, तो देखिए एक बढ़िया बात यहाँ पे अपने को सुनने मिला कि कुछ समस्या थी भैया को, जिन्होंने पूजा पाठ प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए नियम का पालन किया, और आज पथरी जो है खत्म हो गई। खत्म हो गया, अभी हम लोग चेकअप कराए तो पथरी गायब बता रहे डॉक्टर लोग। तो कहीं ना कहीं नियम धियम अपन जैसे पालन करते हैं तो निश्चित ही ये काम आता है, ऐसा प्रदीप मिश्रा जी का कहना है, और यहाँ पे आपने साक्षात देखा। तो यहाँ पे जो दर्शक आए हुए हैं वो प्रदीप मिश्रा जी को उनके कथा को इतनी ध्यान से वो सुन रहे हैं कि देखिए दो गाड़ी के बीच में वो अपनी व्यवस्था बनाकर यहाँ पे बैठे हुए हैं और ध्यान से पंडित जी का कथा सुन रहे हैं। तो हम इनसे चर्चा करते हैं। बताइए भी आपका नाम? बताइए। दुष्यंत तुमरे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग दुर्ग से आए हैं भैया। कितने लोग आए हैं? हम लोग 4 लोग आए हैं। तो यहाँ पर आप बैठ के ये आपका जो जगह बनाए हैं वो उसके लिए बताइए। हाँ जी, वहाँ पूरा भीड़ है, बच्चे लोग हैं, दो दो बच्चे हैं छोटे छोटे, तो साइड में बैठ गए हैं, वहाँ रोते होते हैं कहकर यहीं पे बैठ गए हैं। तो देखिए सुनने का ललक जो अंदर में दीदी भी कुछ बता थे, बताइए। बस इतना कहना है, बस दिल में शिव भक्ति है भैया, जहाँ भी सुने है ना, शिव के प्रति अपना समर्पण हो, और कुछ नहीं चाहिए, चाहे जहाँ पर बनाए वही अपना पंडाल है। तो देखिए क्या अच्छा बात कही कि जहाँ पे बैठ गए वहीं पे इनका पंडाल बन गया। तो इसी तरह आपको हम आगे दर्शकों को दिखाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। तो ठीक है, एक बार जयकारा लगवा दीजिए। महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम।